हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले सेटाफिल की दो क्रीमों के बारे में, जो कि एक नाइट क्रीम है, स्किन ब्राइटनिंग नाइट क्रीम, और एक स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन दोनों ही प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप सेटाफिल का जो स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम या फिर नाइट क्रीम को अगर आप परचेस करना चाहते देन डेफिनेटली आज की वीडियो आपको पूरा देखना है। और मैं आपको बता दूं कि सेटाफिल ब्रांड के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेटाफिल काफी अच्छा ब्रांड है और इस ब्रांड को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं फॉर सेंसिटिव स्किन। जब भी हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई ऐसा कोई क्रीम यूज करे जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इनका मॉइस्चराइजर हो गया, इनका फेस क्लींजर हो गया, तो वगैरह वगैरह इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आज भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। सो इनकी क्वालिटी काफी अच्छी हो सकती है। इसी को मानते हुए मैंने इसकी नाइट क्रीम और डे क्रीम दोनों को भी परचेस किया है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 18 दिन से इसको कंटिन्यू यूज किया जा रहा है, और जो 18 दिन का जो एक्सपीरियंस है वही मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना, आप भी मेरे लिए कुछ करो। कुछ नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई पैसा वैसा की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे वीडियोस को लाइक कर लो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर आपको मेरे वीडियोस के थ्रू या फिर जो मैं वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सेटाफिल के बारे में, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हेल्प मिलती है, तो आपको बस एक प्रॉमिस करना है कि आपको एक दिन का खाना उन लोगों को देना है जिनको एटलीस्ट वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, और आपको थोड़ा सा दाना बर्ड्स को देना है, और बस एक आपको जरूरतमंद है कि आपको हेल्प करनी है जिसको जरूरत हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट क्रीम के बारे में। तो सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करें तो पैकेजिंग कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जहां पे ऊपर आपको सेटाफिल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सेटाफिल ब्राइट हेल्दी रेडियंस स्किन ब्राइटनिंग नाइट कंफर्ट क्रीम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी क्या दावा करती है। सबसे पहले कंपनी ये दावा करती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो 15-20 दिन कंटिन्यू अगर आप यूज करते हो, नाइट क्रीम के साथ साथ आपको डे क्रीम भी यूज करना है, कंपनी ने यहाँ पर मेंशन भी किया है, तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन में जो भी डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम्स है, आपकी स्किन में काफी ज्यादा ड्राइनेस है, इचिंग है, या फिर बहुत ज्यादा स्किन टाइट हो चुकी है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बों की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये खत्म करेगा। अब मैं आपको बता दूं इसके प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ये प्राइस जो इसका जो प्राइस मुझे जो पड़ा था ना, यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे लगभग 1000 रुपए के समथिंग पड़ा था, तो अभी यहाँ पर मेरे को इसका प्राइस नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे जो इसका प्राइस है लगभग 900 या फिर 1000 के बीच में पड़ा था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली वहां से एक बार जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अभी क्या प्राइस है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को, पहले सुन लो, अगर आप इस प्रोडक्ट को एज अ नाइट क्रीम अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहते हो, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट दिखेगा, और ये सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, तो आपकी स्किन में एक शाइन रहेगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा इसका डे क्रीम भी आपको यूज करना जरूरी है। हाँ, डे क्रीम मैं जब भी यूज करता हूँ तो मेरी स्किन, मेरी जो आईज है वहां पे थोड़ी सी मतलब कि पानी आने की वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन मेरी आईज में पानी आता है जब मैं इसको यूज करता हूँ, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी आता है, उसके बाद आधा घंटे तक फिर बाद में नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन इसमें जो सेटाफिल की जो डे क्रीम है, ये भी एक स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम है, इसमें SPF आपको 15 भी मिलेगा, जो कि आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा, और मैं सबसे अच्छी बात बता दूं इसकी भी, ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, और इसके साथ मैं इसका ही आपको क्लींजर रिकमेंड करूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप सेटाफिल का जो डे क्रीम और नाइट क्रीम यूज करना चाहते हो, तो मेरी तरफ से आपको ओके है, और जो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि लोग है ना एक बार यूज करेंगे बाद ही आपको उनको चलने वाला कि एक्चुअल रिजल्ट कैसा है। और अगर आप चाहो तो इससे भी नेक्स्ट लेवल का अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, तो मैंने हर्बल क्रीम के ऊपर वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देखो और उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, एक लग्जरियस क्वालिटी है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो हर्बल क्रीम को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर इसकी आप डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों ही आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।